पॉट बनाना बताऊंगी। ये मैंने कलर किया हुआ, पहले प्लेन लिया था इसको, फिर मैंने इस ये वाले कलर से, फैब्रिक कलर से, ये देख सकते हैं, इससे कलर किया था। ये ब्रश से, 5 नंबर ब्रश से इसको कलर किया। इसको कलर करके सूखने रख दिया, फिर सूख गया। अभी इसमें हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये फैब्रिक कलर से 5 नंबर दिया हुआ है ब्रश इसमें, और ये 3 नंबर है, 0 नंबर है, 3 ब्रश ले रखे हैं, और एक फेविकोल ग्लिटर पेपर, एक चीर टुकड़ा इसमें बनाने के लिए, प्लेट, पानी, ये यूज होगा सामान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कटिंग करेंगे इस तरीके से। फूल फूल को बनाएंगे ना, पहले फूल को अच्छे से पेंसिल से भी पहले बना सकते हैं, इसको बना के कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप की बना लेना, 6 पीस ऐसे बनाते जाना, देखना है कितना अपना यूज करना, उसी हिसाब से बना लेना है। मैं इसको बना लेती हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने बना लिए हैं कलियाँ। अभी क्या करेंगे इसको, अभी इसमें सजाएंगे। तो इसको लगाने के लिए इधर से सबसे पहले ये भी फूल लगा लेंगे। इसको हम फेविकोल लगा लगा के इसको इस तरीके से चिपका देंगे। इस तरीके से इसको पूरे में ऐसे लगा लेना है। अभी क्या करना है, अभी फिर क्या करना है, जब इसको लगा लेना है चिपका के, फिर इधर से पेंसिल से इसको थोड़ा सा तिरछा बना लेंगे। इधर एक डिजाइन टाइप में बना लेंगे, ऐसे में गोला बना के फिर इसको भी वैसे ही चिपका देना जैसे नीचे चिपकाया था। क्या आइडिया पता चल जाएगा ना हमें किस तरीके से चिपकाना है। इसको भी इसी तरह चिपका जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लगा लिया है, एक इधर फ्लावर बनाया, एक इधर बनाया, इसको भी इसी तरह फेविकोल से चिपका लेना है दो। अभी हमने वाइट लिया, ग्रीन लिया है, ये वाला फैब्रिक कलर व्हाइट लिया और ग्रीन लिया है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा व्हाइट निकालेंगे। ये मैंने 3 नंबर का ब्रश ले रखा है। अभी क्या करना है, मैंने इधर ग्रीन निकाला है और ये व्हाइट निकाला कलर। अभी इसको थोड़ा सा इसमें व्हाइट मिक्स करेंगे, ग्रीन में व्हाइट मिक्स करेंगे, लाइट कलर बना लेंगे। इसको इस तरीके से करके इधर से हम एक लाइन बनाएंगे। तरीके से बना लिए, अभी पत्ती बनाएंगे। अभी इसको हम पहले एक राउंड से इसको पत्ती टाइप में बना लेंगे, फिर इसके ऊपर से कलर करेंगे। इस टाइप की पत्ती बना लेंगे। इसको कलर करेंगे। देखिए पत्ती में कलर कैसे करेंगे। सबसे पहले ग्रीन कलर, पहले हमने लाइट इस दो कलर बनाया था, फिर ग्रीन कलर लेके इसको इसके पहले आउटलाइन बना लेंगे। हल्का सा पानी और मिला लेंगे।
और डन किया। अभी हम इसको सेट दे देंगे। इधर से भी इसको ऐसे ही करेंगे। अभी आ गया। अभी बीच में इसको जो लाइट कलर बनाया था इसको भरेंगे, इसको इसे भर देंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर से फिर इसको इसी में सेट वर्क दे देंगे। अभी इसको जैसे ये बहुत ज़्यादा कलर लगे तो इसको थोड़ा तरीके से कर देना है, ऐसे पूरा इसको प्लेन कर देंगे। फिर थोड़ा ग्रीन लगा देंगे इधर, तो अच्छा लगेगा। इसको भी ऐसे ही, ये शेड वर्क है ना, तो शेड वर्क की तरह आना चाहिए ये टाइप का पत्ती बना देंगे। इस सेम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। इसको भी इधर से कलर लेंगे, इसको ऐसे वाइट कलर से थोड़ा सा इस टाइप की थोड़ा पत्ती जैसा निकाल देंगे तो अच्छा लगेगा। इधर थोड़ा सा ग्रीन लेंगे, थोड़ा वाइट, इस तरीके से एक डिजाइन बना देंगे। अभी इसके किनारे किनारे ग्रीन कलर थोड़ा यूज कर लेंगे। देखो इसमें भी सेम इसी तरह करेंगे, इस टाइप का दोनों ने कर लिया। अब इसको आउटलाइन करना चाहेंगे तो ब्लैक कलर से आउटलाइन भी कर सकते हैं। ये हमने कलर लिया है, ये ब्लैक कलर, अरे फैब्रिक का ब्लैक कलर। अभी हम इसको आउटलाइन थोड़ा कर देंगे। इसी टाइप में पूरे में पत्ती में कर लेंगे, और इसके बीच में भी कर लेंगे। थोड़ा इसको तिरछा रखते हैं, सीधा नहीं रखेंगे, थोड़ा एक एक लाइन इस तरीके से दूर दूर से मार देंगे। इस टाइप में इसको देखिए, हमने पूरा ब्लैक कलर का आउटलाइन कर दिया है और इस तरीके से दिख रहा है ये। अभी देखिए इधर थोड़ा वाइट कलर लिया, इसको इधर डिजाइन भी बना सकते हैं, इसे करके सीधी करके सीधा लाइन बना लेंगे। पहले सीधी सीधी इसको बिल्कुल ये सीधी लाइन बना ली ना वाइट कलर से हमने। अभी इसको सिंपल डिजाइन डेकोरेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसे इधर से ऐसे लेके थोड़ा छोटा छोटा फूल बना लेंगे इस टाइप का, जैसे पत्ती बनी थी तो अच्छा लगेगा इसी टाइप का। अभी इसको थोड़ा एक एक इस तरीके से बना देंगे।
ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा।